हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। टुडे वी विल कंटिन्यू द सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ जनरल साइंस। ठीक है, तो हमने कुछ साइंस के, जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके लास्ट पार्ट वन में करे थे। आज हम पार्ट टू को कंटिन्यू करेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन को। सो विदाउट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, कौन सी इसमें से आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है मैटर की? ऑप्शंस, डेंसिटी, कंबंसिबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? देखिए, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास इज नोन एज द मैटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने हाथ में एक डस्टर रख लिया है, ठीक है, तो अगर मैंने अपने हाथ में एक डस्टर रखा है तो वो क्या करेगा? देखिए, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जितने एरिया में वो मेरे हाथ को कवर कर रहा है उतने एरिया में क्या करेगा? स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और उसका खुद का क्या होगा? मास होगा। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास इज नोन एज द मैटर। अब मैटर की स्टेज भी समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पूछा भी गया था क्वेश्चन। मेनली मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन उसकी फर्दर दो स्टेट्स भी होती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। तो मैक्सिमम कितनी स्टेट में मैटर पॉसिबल होता है आपका? फाइव स्टेट में। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है? जिसका डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट मास होता है। वॉल्यूम क्या, और आपका लिक्विड क्या होता है? जिसका डेफिनाइट शेप नहीं होता है बट वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक लीटर मिल्क आपके बड़े कंटेनर में लिया तो वो अलग स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसी को मैं छोटे कंटेनर में डालू तो क्या हो जाएगा? उसका स्पेस फिर से डिफरेंस हो जाएगा। तो यानी कि उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता है। और गैसेस, जिनका ना ही मास होता है ना ही आपका वॉल्यूम होता है। तो तीन मैटर की प्रॉपर्टी होती है। ये हमने यहाँ पे मैटर के बारे में समझ लिया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कौन सा नहीं है, तो इसमें से करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है बी, दैट इज कंबंसिबिलिटी। अब एक चीज और समझते हैं, व्हाट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व। कोई भी ऐसी चीज की प्रॉपर्टी जिसको हम क्या कर सकते हैं, आपका ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक किसी भी सब्सटेंस का जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? देखिए, कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। बिना उसकी सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज किए हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, लस्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेलेबिलिटी, डक्टिबिलिटी, फेजेस ऑफ मैटर, अभी हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैस, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी और ऑर्डर। ठीक है, ये सारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल्स भी याद रखेंगे एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, कैन ओनली बी ऑब्जर्व बाय चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। हम तभी केमिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हम सब्सटेंस की आइडेंटिटी को क्या करें, चेंज करें। जैसे कि कंबंसिबिलिटी, टॉक्सिसिटी, पीएच, रिएक्टिविटी विथ वाटर, एयर, एसिड एक्सेट्रा, एबिलिटी ऑफ टू रस्ट, एबिलिटी टू रस्ट। आ रहा है समझ में? केमिकल प्रॉपर्टी तभी ऑब्जर्व होंगी जब उनकी आइडेंटिटी क्या होगी, चेंज होगी। और फिजिकल प्रॉपर्टी विदाउट आइडेंटिटी चेंज भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी क्या होता है? अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व। किसी की भी ऐसे सब्सटेंस जिसकी हम करेक्टरिस्टिक को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी, दैट इज कंबंसिबिलिटी। क्योंकि देखिए, कंबंसिबिलिटी आपकी किस में आ रही है? केमिकल प्रॉपर्टी में आ रही है। तो आपसे पूछा किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन्स कैन बी फाउंड इन एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन, हीलियम, हाइड्रोजन एंड नियॉन। अब देखिए, पूछा है कि न्यूट्रॉन जो है ना आपके, वो सब सारे एटम्स में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट कौन से एलिमेंट्स हैं जिसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका सी, दैट इज हाइड्रोजन। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि न्यूट्रॉन है क्या। देखिए, न्यूट्रॉन आर फाउंड इन ऑल द एटम एक्सेप्ट फॉर द मोस्ट एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका एटम्स है, इसके अंदर आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं आपके? न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है आपका? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन आपके कैसे होते हैं? न्यूट्रल्स होते हैं। ठीक है,
ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे देखिए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और क्या होते हैं आपके प्रोटॉन्स, बट न्यूट्रॉन का नंबर आपका क्या करता है वेरी करता है. ठीक है, न्यूट्रॉन फाउंड इन ऑल द ऑल एटम एक्सेप्ट फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन. देखिए यहाँ पे दिखा रखा है आपको ये प्रोटॉन, ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ पे दिखा रखा है. हीलियम देखिए यहाँ पे दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन और क्या है आपके दो इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे देखेंगे अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि न्यूट्रॉन क्या होते हैं आपके फाउंड इन ऑल द एटम एक्सेप्ट फॉर द मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन. तो द करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी दैट इज हाइड्रोजन. नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसमें मैटर एग्जिस्ट करता है. मैटर अभी हमने पढ़ा था एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास. तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, आयरन एटम मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट. तो द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज एन एटम. ठीक है, इस एटम आपका क्या होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. ठीक है, किसी भी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन बी कॉल्ड एन एलिमेंट. ठीक है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. एटम किसके बने होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की. देखिए आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल दिख रहा है, इसमें आपको दिखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, कौन सा इसमें से आपका एलिमेंट नहीं है. ऑप्शंस एल्यूमिनियम मर्करी गोल्ड एंड वाटर. तो द करेक्ट आंसर इज डी दैट इज वाटर. वाटर क्या है आपका, वाटर एलिमेंट नहीं है, वाटर क्या है कंपाउंड है. देखिए वाटर का फॉर्मूला अगर मैं लिखती हूँ तो आपका क्या होता है H2O होता है. तो यहाँ पे आपको सिंगल कोई एलिमेंट दिख रहा है क्या, हाइड्रोजन आपका वाटर है, नहीं पूरा आपका कंपाउंड है H2O. ठीक है, तो कंपाउंड क्या होते हैं, कब फॉर्म होते हैं, जब टू और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली, जब दो और मोर एलिमेंट आपके कंबाइन होते हैं तो आपके क्या फॉर्म होते हैं, कंपाउंड फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आपके कंपाउंड हुए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए तो क्या बनाया आपका H2O जो क्या है आपका कंपाउंड है. ठीक है, अब वाटर हैज टू एलिमेंट कंबाइन केमिकली. यहाँ पे देखिए इसी तरीके से आपका CO2 अगर मैं देखूं, CO2 भी आपका क्या है कंपाउंड है. कैसे देखिए यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट कंबाइन हुए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन. ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, डी दैट इज वाटर. वाटर इज अ नॉट एलिमेंट, इट इज अ कंपाउंड. तो द करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटोमिक नंबर सेम एटोमिक वेट, सेम एटोमिक वेट बट डिफरेंट एटोमिक नंबर different atomic numbers. So the correct answer is A that is same atomic number. अब यहाँ पे isotope और isobar दोनों में different clear कर लेते हैं. Isotopes क्या होते हैं, देखिए atoms having a same atomic number but different mass number. जिनका atomic number same होगा but mass number क्या होगा different, वो क्या कहलाते हैं isotopes. और isobars क्या होते हैं, atoms having the same number of न्यूक्लियस बट डिफर इन नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, इज दैट इज हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटोमिक नंबर. ये क्या, जस्ट इसका अपोजिट. यहाँ पे क्या है आपका सेम एटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. यहाँ पे क्या होता है इसो बार में सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटोमिक नंबर. ये क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करते हैं, इनको क्लियर कर लेना अच्छी से, आइसोटोप्स एंड आइसो बार. तो द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज सेम एटोमिक नंबर. नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज के, इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी के 2k 4k एंड k बाई 4. तो द करेक्ट आंसर इज 4k. क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर 4k. अब इसको समझते हैं कैसे. देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी दैट ऑब्जेक्ट पोसेस ड्यू टू देयर मोशन. जब कोई भी मोशन की वजह से जो एनर्जी डेवलप होती है वो क्या कहलाती है आपकी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपका काइनेटिक एनर्जी का, देखिए यहां से मैंने सपोज किसी चीज को मोशन किया स्टार्ट किया, एक पॉइंट आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद फिर क्या होने लगेगी, एनर्जी डाउन होने लगती है आपका. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. एम यहाँ पे क्या है मास, वी क्या है आपकी वेलोसिटी और के क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी. अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, अगर हम वेलोसिटी को क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं, वेलोसिटी यहाँ पे क्या थी वी, तो इसको मैं डबल कर दूंगी तो क्या हो जाएगा 2v. तो अब फॉर्मूला हमारा
चेंज हो जाएगा. देखिए तो अब क्या हो जाएगा, हम लोग वी की जगह पे क्या रखेंगे, टू वी. टू वी यानी कि टू वी का स्क्वायर, टू टू का क्या आएगा, फोर वी स्क्वायर. फिर हम इसको कट करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4K. तो द करेक्ट आंसर इज 4K. फॉर्मूला याद रखना है और करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी दैट इज 4K. नेक्स्ट, अ फुटबॉल हैज लेशर इनर्शिया देन अ स्टोन ऑफ द स्मॉल साइज बिकॉज फुटबॉल हैज मोर एयर इनसाइड देन द स्टोन, फुटबॉल हैज लेस एयर इनसाइड देन द स्टोन, फुटबॉल हैज लेस मास देन द स्टोन, फुटबॉल हैज मोर मास देन द स्टोन. द करेक्ट आंसर इज सी दैट इज फुटबॉल हैज लेस मास देन द स्टोन. अब ये समझते हैं, देख लेते हैं. अब यहाँ पे मास क्या होता है आपका, अ मेजर ऑफ इनर्शिया. ठीक है, मास इज नॉट वॉल्यूम. अब देखते हैं वॉल्यूम और मास में क्या डिफरेंस होता है. वॉल्यूम इज मेजर ऑफ स्पेस, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया यानी कि केजी किलोमीटर. ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, विच हैज मोर मास, अ पिलो और अ कार बैटरी. ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कार बैटरी इज मोर डिफिकल्ट टू सेट इन टू द मोशन. ठीक है, द बैटरी हैज मोर इनर्शिया बिकॉज इट हैज मोर मास. आ रहा है समझ में, द पिलो हैज लार्जर साइज वॉल्यूम बट अ स्मॉलर मास देन द बैटरी. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, सी फुटबॉल हैज लेसर मास देन द स्टोन. इससे कंपेयर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, फुटबॉल हैज अ लेस मास देन द स्टोन. नेक्स्ट, स्टूल ऑफ अ पर्सन इज वाइटेस्ट ग्रे कलर ड्यू टू malfunction of which of the following organ. Options, pancreas, spleen, kidney and liver. The correct answer is D, that is liver. ठीक है, और liver के बारे में यहाँ पे कुछ important facts दे रखे हैं, ये आप लोग एक बार read कर लेना. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, it is the second biggest organ next to the skin. Skin के बाद जो आपका second biggest organ है वो कौन है, आपका liver है. ठीक है, उसके बाद second point क्या है, largest solid organ in your body. हमारी body में जो सबसे largest solid organ भी है. Next क्या है, देखिए इट्स द ओनली ऑर्गन दैट कैन कम्प्लीटली रीजनरेट. एक ऐसा ऑर्गन है जो आपका कम्प्लीटली रीजनरेट हो जाता है. ठीक है, यूअर लिवर इज कंसर्न अबाउट यूअर वेट. ठीक है, अगला है क्या है, देखिए एन ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट, ये आपका रीजनरेट भी हो जाता है. इट हेल्प इन हार्मोन मेटाबॉलिज्म, ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट क्या है, देखिए लिवर स्टोन्स विटामिन एंड मिनरल्स, सारे आपके विटामिन और मिनरल कहाँ पे स्टोर होते हैं, आपके लिवर में. नेक्स्ट क्या है, लिवर इज अ प्रोटीन क्रिएटर एंड क्लॉटिंग एजेंट. आपका लिवर ही क्या है, प्रोटीन क्रिएटर है, क्लॉटिंग एजेंट है. नेक्स्ट क्या है, लिवर डिटरमाइन कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल कौन डिटरमाइन करता है, लिवर. एंड द लास्ट पॉइंट इज लिवर परफॉर्म 500 डिफरेंट अदर फंक्शंस भी आपके परफॉर्म करता है. तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे नेक्स्ट बिगेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन ऑफ बॉडी, विच ऑर्गन इज रीजनरेटेड, विच हेल्प इन हार्मोन मेटाबॉलिज्म, लिवर डिटरमा, विच ऑर्गन डिटरमाइन द कोलेस्ट्रॉल लेवल, क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है, ये सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. अब ये वाला आप लोग एक बार रीड कर लेना. नेक्स्ट, ब्लड ऑफ ए बी ग्रुप कैन नॉट बी गिवन टू बी ग्रुप पेशेंट बिकॉज. ऑप्शंस, पेशेंट हैज एंटीबॉडी बी, पेशेंट लैक एंटीबॉडी बी, पेशेंट लैक ए एंटीबॉडीज, पेशेंट हैज एंटीबॉडी ए. अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप आपका क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है आपका, यूनिवर्सल डोनर. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है, देखिए द करेक्ट आंसर डी दैट इज पेशेंट हैज एंटीबॉडी ए. ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझा दूं. पर्सन विथ ब्लड ग्रुप बी हैव अ बी एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ देयर आरबीसी एंड एंटी ए बॉडी अगेंस्ट द ए एंटीजन इन देयर प्लाज्मा. आ रहा है समझ में, अगर पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप पजेस दैट एंटीजन ए एंड बी, इसके पास दोनों होते हैं आपका एंटीजन ए बी और क्या भी होता है आपका एंटीजन बी बी ऑन देयर सर्फेस ऑफ आरबीसी. इफ ए बी ब्लड ग्रुप इज गिवन टू द बी ग्रुप पेशेंट, एग्लूटिनेशन अकर्स बिटवीन द एंटी ए एंड एंटी
एंड ए एंटीजन। अब यहाँ पे देखिए ये एंटीबॉडी और एंटीजन दो टर्म आ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए एंटीबॉडीज जो होती हैं ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। एंटीबॉडी हमें क्या करती हैं, हमें किसी भी डिजीज से फाइट करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है। अब ये एंटीजन क्या होता है, एनी फॉरन पार्टिकल विच कॉजेज डिजीज। तो हमारी बॉडी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें कभी भी कोई बाहर से एंटीजन क्या करेगा, मेरी बॉडी में अटैक करेगा, तो मेरी मेरी बॉडी में क्या होते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होते हैं जो उसको वहीं पे फाइट करके क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो एंटीजन क्या होता है, कोई भी अगर अलग चीज आएगी बॉडी से डिफरेंट तो उसको हमारी बॉडी एज अ एंटीजन लेती है, तो उसको अगेंस्ट क्या करना स्टार्ट करती है, एक्शन स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे रीजन आपका क्या है, पेशेंट हैज एंटीबॉडी ए, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज डी। वर्ल्ड एड्स डे इज 21 दिसंबर, 1st दिसंबर, 1st जून एंड 11th जून। द करेक्ट आंसर बी, दैट इज 1st दिसंबर, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एड्स डे सबसे पहले कब ऑब्जर्व किया गया था आपका, कब से मनाया जा रहा है आपका, ये अगस्त 1987 से, ठीक है। किसने किया था, बाइस जेम डब्लू बून एंड थॉमस नीटर, सबसे पहले इन लोगों ने स्टार्ट किया था, कब किया था, 1 दिसंबर 1988 को। तब से लेके सिंस देन वर्ल्ड एड्स डे आपका क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एड्स आपकी क्या है, पैंडेमिक डिजीज है, जो किसकी वजह से कॉज होती है आपका, HIV इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे याद रखना है, कब सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, 1988 में, और तब से क्या किया जा रहा है आपका, सेलिब्रेट किया जा रहा है आपका वर्ल्ड एड्स डे। कौन से उसकी वजह से होता है स्प्रेड, किसकी वजह से होता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरसेस, इसका नाम भी याद रखना है। तो करेक्ट आंसर इज बी। द सोर्स ऑफ पेनिसिलिन इज मशरूम, एल्गाई, यीस्ट एंड मॉल्ट। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज मोल्ड। पेनिसिलिन आपका क्या है, देखिए अ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट कम फ्रॉम द मोल्ड। इसमें क्या होता है, देखिए पेनिसिलिन लाइक एंटीबॉडी इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडियोग्लाइकेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन किसकी किसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, किसकी सिंथेसिस को करता है, पेप्टिडियोग्लाइकेन। पेप्टिडियोग्लाइकेन क्या है आपका, एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल वॉल एंड लाइज इट्स, ठीक है। दे डू नॉट इंटरेक्ट विद द सिंथेसिस ऑफ अदर इंटरसेलुलर कंपोनेंट। These antibodies, antibiotics do not affect human cell because human cell do not have cell wall. This point is very important from your exam point of view. अगला क्या है देखिए, penicillin include very important. क्या क्या include करता है, ampicillin, phenoxymethylin, penicillin, amoxicillin, etc. ठीक है, penicillin is active against the gram positive bacteria, very important. दो टाइप के होते हैं आपके, gram positive एंड gram negative. इनके सेल वॉल में डिफरेंस होता है, एक की सेल वॉल आपकी थिक होती है, दूसरे की कम होती है, एक आपके ब्लू कलर शो करते हैं, एक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये किसके अगेंस्ट दिखाता है आपका, ग्राम पॉजिटिव के। तो पेनिसिलिन के बारे में ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट रखना है। फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, किसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, पेप्टिडियोग्लाइकेन की। दूसरा क्या याद रखना है, ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज क्यों नहीं करता है, ह्यूमन के पास क्या नहीं होती है, आपकी सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए क्या क्या इंक्लूड होते हैं इसमें, सारे ड्रग के नाम आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट फोर पॉइंट इज किसके अगेंस्ट आपका ये वर्क करता है, क्या है आपके, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है डी। द मेन गैस कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो द करेक्ट आंसर इज That is कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेज मेनली मिथेन कॉज करती हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं दिया था। उसके बाद बहुत जगह पे आपको नाइट्रोजन दिखेगा, नाइट्रोजन देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन है। नाइट्रोजन हमारे एटमोसफेयर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बट नाइट्रोजन क्या है आपकी लीस्ट रिएक्टिव गैस है, इतनी ज्यादा 71% प्रेजेंट होने के बाद भी इफेक्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी लीस्ट रिएक्टिव गैस है, इसीलिए एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करने वाली गैस आपकी क्या है, CO2। अब देखते हैं यहाँ पे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है आपका। देखिए सम सनलाइट दैट हिट्स द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड सम बैक हीट्स। देखिए CO2 एंड अदर गैसेज इन द एटमोस्फेयर ट्रैप हीट कीपिंग द अर्थ वार्म। होता क्या है देखो, सन से आपकी रेज आती हैं बहुत सारी। देखिए सन पासेस थ्रू द एटमोसफेयर वार्म द अर्थ, जैसे ही
सन से आपकी क्या आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट रेज आती हैं जो आपकी बहुत सारी उसमें हानिकारक भी होती हैं। फिर क्या होता है, देखिए उसमें से सारी रेज आपकी अर्थ के एटमोसफेयर तक नहीं पहुंच पाती हैं, आधी से ज्यादा क्या हो जाती हैं आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, ठीक है। और जो बची हुई है, अगर सपोज 100% आपकी सन से रेज आ रही हैं, तो इसमें से आपका ओनली 25% जो है वो अर्थ के एटमोसफेयर तक रीच होंगी, और जो बची हुई 75% है वो क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, बिकॉज वो क्या होती हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल रेज होती हैं, ठीक है। तो कौन सी रेज पहुंचती है, देख रही है, इंफ्रारेड रेडिएशन इज गिवन ऑफ बाय द अर्थ, ठीक है। अब क्या होता है देखो, बट क्या हो रहा है, देखिए सम इंफ्रारेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय गैसेस इन देयर एयर इंक्लूडिंग CO2 कीपिंग द अर्थ वार्म इनफ टू सस्टेन द लाइफ। जैसे हमारे ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, इंक्रीज द लेवल ऑफ CO2, CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीट रिटेन्ड कॉजिंग द एटमोसफियर एंड अर्थ सरफेस द हीट अप, बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगेगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियम, कौन सा आपका इसमें से बैक्टीरियम नहीं है। ऑप्शन इकोलाई, नेजीरिया, गोनेरिया, ट्रेपेनोमा, पैलेडियम, वुचेकर, बैंक्रॉफ्टी। द करेक्ट आंसर इज डी। अब देखिए ये क्या है आपका, ये आपका एक पैरासाइट फिलेरियन है, जो नेमेटोड राउंड वर्म स्प्रेड बाय द मॉस्किटो बाइट, जो किसकी वजह से होता है आपका, मॉस्किटो बाइट से। अगर इफ इज वन ऑफ द थ्री पैरासाइट दैट कॉज लिम्फेटिक फिलेरिसिस एंड इन्फेक्ट बाय द लिम्फेटिक सिस्टम बाय द फिलेरिस वर्म, ठीक है। इसने इफेक्ट किया था 120 मिलियन पीपल प्राइमरली इन द अफ्रीका। सबसे पहले कहाँ पे फैला था, अफ्रीका में, फिर साउथ अमेरिका में, और कहाँ पे मिलता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्री में। इट इज द इन्फेक्शन इज लेफ्ट अनट्रीटेड, इट कैन डेवलप इनटू अ क्रोनिक डिजीज लाइक एलिफेंट डिजीज, ठीक है। लिमिटेड ट्रीटमेंट है इसका, नो वैक्सीन, अभी तक कोई इसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है। यहाँ पे मैंने एक बार इसमें दिखा दिया है, आप लोग एक बार इसको रीड कर लेना। तो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, सीरीकल्चर इज एसोसिएटेड विथ रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्क, ग्रोथ ऑफ प्लांट, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, रिविंग ऑफ प्रॉन्स। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। देखिए यहां पे दिखा रखा है कैसे करते हैं, एक बार आप लोग इसको देख लेना डायग्राम को। नेक्स्ट, पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू चाइल्ड अप टू व्हाट एज, 3 years, 5 years, 7 years एंड 8 years, कौन सी एज तक पोलियो ड्रॉप्स देते हैं आपका। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 5 year, ठीक है। ये आपका हाईवी इन्फेक्शन, कैसा इन्फेक्शन है, वायरल डिजीज है, विच डिस्ट्रिक्ट द, किसको डिस्ट्रिक्ट करता है आपका ये, मोटर न्यूरॉन एंड डैमेज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसकी वजह से आपका क्या होगा, मसल वीकनेस हो जाती है, मसल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, और इंसान को क्या हो जाता है, पैरालिसिस। याद रखना है कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है और रिजल्ट क्या होता है, पैरालिसिस एंड वीकनिंग ऑफ मसल्स। नेक्स्ट, इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी अमोनिया इज कन्वर्टेड इंटू यूरिया, ऑप्शन किडनी, लंग्स, लीवर, इंटेस्टाइन। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज लीवर। लीवर क्या है, देखिए आपका लीवर आपका मल्टीपर्पज ऑर्गन है, क्या क्या फंक्शन करता है, मेकिंग बाइल जूस को सीक्रेट करता है, डेक्सट्रोफाइज ब्लड, डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल्स, मेक यूरिया फ्रॉम एक्सेस अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये सब इसके फंक्शंस भी आपको याद रखने हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट, बायोस्पी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू टेकन फ्रॉम लिविंग बॉडी, टिश्यू टेकन फ्रॉम डेड बॉडी, ऑर्गन, स्केलेटन सिस्टम। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज टिश्यू टेकन फ्रॉम लिविंग बॉडी। टाइप्स ऑफ बायोस्पी देख लेते हैं, ओरल कैटेगरी, एस्पिरेशन बायोस्पी, इंसीजर बायोस्पी, एक्सिजनर एंड निडल बायोस्पी, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो हम लोग रिमूव करते हैं टिश्यू को फ्रॉम द लिविंग बॉडी फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे मैंने बाकी भी दे रखा है, प्राइमरी पर्पज क्या होता है, डिटरमाइन द डायग्नोसिस प्रीसिसली फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, टिश्यू टेकन फ्रॉम द लिविंग बॉडी, दैट इज ए। नेक्स्ट, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड डर्मिस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड कटाइल क्यूटाइल। द आंसर इज डी, दैट इज एपिडर्मिस। देखिए सबसे पहले आपकी क्या होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, और उसके बाद क्या होता है, सबडक्टेंट टिश्यूज। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट,
विटामिन B2 इज फाउंड इन कैरल्स वेजिटेबल्स यीस्ट एंड ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव. विटामिन टू देखिए कहाँ कहाँ मिलता है. विटामिन टू का सबसे पहले साइंटिफिक नेम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट राइबोफ्लेविन. सोर्स क्या क्या है देखिए, लिवर किडनी हार्ट क्या क्या किस में मिलता है, मशरूम सारा यहाँ पे दे दिया आपको, एक बार इसको देख लेना सारा रीड कर लेना. तो करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट द ECG इज एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट - हार्ट साउंड, टू मेजर ब्लड प्रेशर, एरिस्टोकेरेसिस, हार्ट अटैक. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज हार्ट साउंड, हार्ट अटैक. सॉरी द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज हार्ट अटैक. हु हैज डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप? स्मिथ, कार्ल लैंडस्ट्री, जेनर एंड हार्वे. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज कार्ल लैंडस्ट्री. नेक्स्ट लॉक एंड की प्रिंसिपल वर्क ऑन कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, विटामिन, नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एंजाइम. एंजाइम क्या होते हैं आपके, एंजाइम आर द टाइप ऑफ प्रोटीन, जिसके भी एंड में आपका एज लगेगा वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, एंजाइम. ठीक है, दे स्पीड अप केमिकल रिएक्शन ऑल्सो नोन एज द कैटालिस्ट. ये आपके किसकी तरह वर्क करते हैं, एज अ कैटालिस्ट, रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. तो एंजाइम्स आर प्रोटीन, याद रखना है, ऑल्सो नोन एज द कैटालिस्ट. एंड किसको कैसे पहचानोगे एंजाइम, जिसके भी लास्ट में एज लगा होगा वो सारे आपके क्या होते हैं, एंजाइम. तो करेक्ट आंसर इज बी. Which of the following is false about the electrophiles? बहुत ही important question है. Options: electron deficient species, an acidic reagent, a reagent which attack on electro deficient site of a molecule, a species which sticks a pair of electrons. तो the correct answer is a reagent which attack an electro deficient site of a molecule. ठीक है, अब देखते हैं क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स. अ रिएजेंट विच इज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स. ठीक है, ये आपके किस चीज की सर्च में लगे रहते हैं, आपके सर्च करने के लिए क्या सर्च करते हैं, इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इट इज इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट एंड टेक्स अवे अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जिसे आपके दो टाइप के होते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल्स याद रखने हैं, दे आर लुईस एसिड. और एक टर्म आता है आपका इलेक्ट्रोफाइल के सिमिलर, न्यूक्लियोफाइल्स. न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, अ रिएजेंट विच इज इन सर्च ऑफ द रिलेटिवली पॉजिटिव सेंटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. ठीक है, एक आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज होते हैं. तो इलेक्ट्रोफाइल्स कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज होते हैं. अब डेफिशियंट है तो कहां पे अटैक करेंगी, किस पे अटैक करेंगी, आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे. ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होती हैं, आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं. तो यहाँ पे दोनों टर्म का मतलब याद रखना है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच, और टाइप्स भी याद रखना है. तो द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट, हेटरोटिक फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स गिव फ्री रेडिकल, कैटायन एंड एनायन, ओनली कैटायन एंड ओनली एनायन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दो टाइप का फिजन होता है, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक. तो यहाँ पे हमसे किसके बारे में पूछा है, हेट्रोलाइटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ये मुझे बताएंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसका आंसर मुझे देंगे. तो यहाँ पे हेट्रोलाइटिक फिजन क्या मॉलिक्यूल गिव करता है, तो द करेक्ट आंसर सी. जब आपका होमोलाइटिक फिजन होता है तो आपके क्या मिलते हैं, फ्री रेडिकल. ठीक है, और जब आपका यहाँ पे देखिए डिफरेंस देखिए, होमोलाइटिक फिजन इज अ डिसोसिएशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मिंग टू इक्वल फ्रेगमेंट. होमोलाइटिक का मतलब क्या होता है, सेम, तो यानी कि सेम इक्वल फ्रेगमेंट देगा. और हेट्रोलाइटिक फिजन क्या होता है, इट्स अ केमिकल डिसोसिएशन बॉन्ड फॉर्मिंग अ टू अनइक्वल फ्रेगमेंट, जहां पे आपको दो मिलेंगे, हेट्रो का मतलब दो, ठीक है, सेम नहीं होंगे, होमो का मतलब सेम. ठीक है, प्रोडक्ट में क्या मिलते हैं, फॉर्म टू इक्वल फ्रेगमेंट, यहाँ पे क्या मिलेंगे आपके, फॉर्म टू अनइक्वल फ्रेगमेंट. ठीक है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गिव्स वन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टू ईच फ्रेगमेंट, गिव टू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टू वन फ्रेगमेंट एंड नन ऑफ द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टू द अदर फ्रेगमेंट. ठीक है, एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी दैट इज आइदर एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द होमोलाइटिक फिजन. ठीक है, यहाँ पे एनर्जी आइदर ऑब्जॉर्ब होगी और आइदर रिलीज होगी. यहाँ पे क्या होती है, द एनर्जी दैट इज आइदर एब्जॉर्ब और रिलीज द होमोलाइटिक फिजन इज नोन एज हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. यहाँ पे जो एनर्जी यूज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. अब देखिए, जब आपका होमोलाइटिक फिजन होता है
तो आपके क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल। होमोलाइटिक का मतलब क्या होता है, देखिए दोनों आपके एक ही के ऊपर चले जाएंगे। हेट्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, एक आपके इसके ऊपर चला जाएगा, एक आपका इसके ऊपर चला जाएगा। तो होमोलाइटिक में क्या बनेंगे आपके, फ्री रेडिकल, और हेट्रोलाइटिक में क्या बनेंगे आपके, कैटायन एंड एनायंस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आपका सिर्फ ओनली एनायन देगा, या तो आपका ओनली कैटायन देगा, या तो फिर आपका ओनली फ्री रेडिकल देगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसको देखते हुए क्या होगा आपका, ओनली एनायंस, एक ही चीज देगा आपका, तो एनायन ही देगा या तो कैटायन ही देगा, दो डिफरेंट कैटेगरी नहीं मिलेंगी। तो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल डज नॉट हैव आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम, नियरली द सेम एनर्जी कंटेंट, द सेम नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, आइडेंटिकल बॉन्डिंग। तो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज आइडेंटिकल बॉन्डिंग। ये आपका नॉट पूछा था। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है, देखिए रेजोनेंस इज इन्वॉल्व व्हेन टू और मोर वैलिड लुईस स्ट्रक्चर कैन बी रिटन इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। मतलब देखिए, ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले तो बेंजीन रिंग में शो करता है, दूसरा जहां पे भी आपका सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा वहां पे आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए आपका पाई बॉन्ड होना जरूरी है। पाई बॉन्ड का मतलब समझ में आता है ना आपको, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा आपका क्या होता है पाई बॉन्ड, जैसे यहाँ पे देखिए, और अल्टरनेटिव पोजिशन पे होना चाहिए। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको पाई बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजिशन पे, ये सब कंडीशन है आपकी क्या शो करने के लिए, रेजोनेंस शो करने के लिए। ठीक है, द बॉन्ड लेंथ इन द रिंग आर आइडेंटिकल एंड बिटवीन दोज ऑफ द सिंगल एंड डबल बॉन्ड, द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज एन एवरेज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आइडेंटिकल बॉन्डिंग आपका रॉन्ग है। तो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, टॉटोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो है टॉटोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है दैट इज डी, दैट इज CH3CN। देखिए टॉटोमेरिज्म क्या होता है, इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर आर डायनामिक इक्विविलियम विथ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, इथाइल एसिटो एसिटेज इज एन इक्विविलियम मिक्सचर ऑफ टू फॉर्म, दैट इज 93% कीटो फॉर्म एंड 6% ऑफ इनो फॉर्म। जहां पे आपका कीटो और इनो फॉर्म दोनों प्रेजेंट होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपका इथाइल एसिटो एसिड दे दिया, जिसमें आपका इक्विलिब्रियम मिक्सचर है आपका किसका, टू फॉर्म का, 93% कीटो एंड 6% फॉर्म ऑफ इनोल। The correct answer is D. Next, the most stable conformation of N-butane is skewboat, eclipse, gauche and streg NT. The correct answer is D. That is NT. Correct answer आपका क्या है, streg NT. कैसे होता है देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कुछ डायग्राम दिखाया है जिसमें आपको एंटी और स्ट्रेक दिख रहा होगा, दूसरा आपको क्या दिख रहा है, इक्लिप्स और स्क्यू और गॉच। अब ब्यूटेन की बात करी थी, यहाँ पे हम लोग सिर्फ बैलेंस ही आप लोग हाइड्रोजन से फिल कर लेना। ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, कितने कार्बन होंगे आपके वहां पे, चार, ये होता है आपका ब्यूटेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्यों होता है ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म, बिकॉज देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे अरेंज किया जाता है, ये वाला फॉर्म है आपका एंटी और स्ट्रेक। ठीक है, इक्लिप्स और स्क्यू की बात नहीं करी है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि मोस्ट स्टेबल बताना है हमें। तो होता क्या, देखिए यहाँ पे इनके बीच में आपका स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होने की वजह से ये फॉर्म आपकी मोर क्या होती है, स्टेबल होती है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर देखिए आप एक के ऊपर एक को रख दें, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए ये स्टेबल नहीं होता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एंटी और स्टेरिक क्यों होती है आपकी, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। द करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पे देखिए आइसोमर को मैंने क्लासिफाई करके भी समझा दिया है आपके फर्दर के लिए। देखिए आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका सेम केमिकल फॉर्मूला होता है, दो टाइप के होते हैं, स्टीरियो आइसोमर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। यहीं से पूछा था हमसे क्वेश्चन। तो स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, जिसमें स्पेशल आइसोमर भी बोलते हैं हम लोग इनको, इसको हम अल्टरनेटिव क्या भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिन। तो स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम बट विद द सेम कनेक्टिविटी। ठीक है, डिफरेंट कनेक्टिविटी बिटवीन एटम। ये आपके फर्दर दो टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, इनर्शियोमर, और दूसरे कौन से होते हैं, डिसेंट्रियोमर्स। ठीक है, इनर्शियोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेज आपकी बनती है, तो वो आपके होते हैं मिरर इमेज और काइरल मॉलिक्यूल दैट आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपके दो टाइप के होते हैं, सिस ट्रांसफॉर्म और दूसरा कौन सा होता है आपका, कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिन। सिस ट्रांसफॉर्म सेम पोजिशन, सिस सेम साइड ऑन द सेम साइड और द अदर साइड। ठीक है, ये सिस और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिन कैसे बनते हैं आपके, रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल।
सिंगल बॉन्ड, ये बस आपका रोटेशन रोटेशन फॉर्म करते हुए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को डेवलप करता है। तो रोटेशन अराउंड किस किस के बीच में होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे आपको आइसोमेरिज्म क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट, एंटी लॉकिंग कैरेक्टर ऑफ गैसोलाइन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द एडिशन ऑफ लेड सल्फाइड, लेड ब्रोमाइड, टेट्राइल लेड, डाइथाइल कैडमियम। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज टेट्राइल लेड। एंटी नॉकिंग एडिक्टिव क्या होता है देखिए, और सब्सटेंस विच रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ फ्यूल टू ऑटो इग्नाइट, सो द इंक्रीज ऑफ ऑक्टेन नंबर। स्मॉल अमाउंट ऑफ लेड कंपाउंड्स हैव बीन यूज्ड एज इकोनॉमिक एंड इफेक्टिव एंटी नॉकिंग एडिक्टिव। तो करेक्ट यहाँ पे क्या है देखिए, टेट्राइथाइल लेड बट इज डैमेज द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को आपको क्या करता है ये डैमेज करता है। तो करेक्ट आंसर इज सी। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन आइसोब्यूटेन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूजन सनलाइट इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। मैंने रिएक्शन लिख ली है, आप लोग एक बार इसको देख लेना। करेक्ट आंसर है आपका सी, यहाँ पे रिएक्शन पूरी कर ली है, आप लोग एक बार इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ ओ जाइलीन गिव्स ग्लाइक्सोल, मिथाइल ग्लाइक्सोल, डाइमिथाइल ग्लाइक्सोल, ऑल ऑफ दी अबव। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे मैंने रिएक्शन आपके सामने लिखी है, ये देखिए ग्लाइक्सोल, एक बार आप लोग इसको देख लेना। स्टिल यू हैव एनी डाउट इवन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।